कैसे खोलें, कैसे करें व्यापार। आखिर बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते? आपको भी छोटे बच्चे बहुत पसंद होंगे। नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो किड्स गारमेंट शॉप खोलना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। बच्चों के कपड़ों का बाजार बढ़ रहा है और इस बिजनेस में आने वाले लोगों में बुजुर्ग की संख्या ज्यादा है या फिर बच्चों की संख्या ज्यादा है। आपको लगभग 100 से 200 स्क्वायर फीट की एक दुकान की जरूरत पड़ेगी। कैसे चुनें अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर? ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों के किड्स गारमेंट बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसी जगह पर खोलें जहां छोटे बच्चे ज्यादा हों, जैसे कि किसी स्कूल के आसपास। शहर में अलग अलग क्षेत्रों में कई कॉलोनीज बनी होती हैं। आप खुद उस कॉलोनी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कॉलोनी में किड्स गारमेंट शॉप के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इस बिजनेस को शुरू करने में लगभग 3 से 4 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करना होगा। फैशन, कपड़ों की क्वालिटी और वैरायटी के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकता है, परंतु ये पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। आप किसी बड़ी कंपनी से एक एजेंसी के तौर पर जुड़ सकते हैं। आप किसी होलसेलर से सामान मंगा सकते हैं। सीधे कंपनी से एजेंसी के तौर पर जुड़ने के लिए आपको उस कंपनी की मांगों को पूरा करना होगा। मार्केटिंग कैसे करें? शुरुआत में कंपटीशन से उबरने के लिए आपको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। आज के समय में कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं, मुनाफा कितना होगा। मुनाफा इस बात पर निर्भर करता है कि बिक्री कितनी होगी। ये कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाएं तो आप आसानी से महीने का लगभग 40 से 50 हजार रुपए तक मुनाफा कमा पाएंगे। आपका बिजनेस नया होता है तो आप ऑफर्स देकर अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स का सही से ध्यान रखते हैं और उसे खुश करने में सफल होते हैं तो वो आपकी और आपके बिजनेस की माउथ पब्लिसिटी भी करता है और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी आप तक लाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये थी किड्स गारमेंट शॉप खोलने की पूरी जानकारी। तो आज ही शुरू करें अपना खुद का बिजनेस और अच्छा मुनाफा कमाएं।